छोड़ मुझे, नहीं छोड़ूंगी, बस छोड़ इधर मुझे। क्या मसला, किसको ढूंढ रही हो, क्या हो गया है? सब कहाँ है? सब नीचे लाउंज में। लेकिन तुम्हें सबसे क्या है? मुझे बताना है, मुझे रानिया को सब बताना है। क्या बताना है, पागल हो गई हो? कितनी बार समझाया, समझ नहीं आ रहा। मैं गुनाह कर रही, मेरे दिल में बहुत बोझ है, मुझे उसे बताना है। अम्मा तुमने कुछ नहीं किया है। सुना था मैंने, जब अल्लाह ऐसे लोगों के दिलों पर मुहर लगा देता है तो उन्हें ना अपनी गलतियां दिखाई देती हैं ना सुनाई देती हैं। बहुत ज़बान चलती है ना। काट डालूंगी ये ज़बान। हाथ लगाकर तो देख। अच्छा लो, लगा लिया। क्या सोचा, मसलूम बेचारी माँ को डराओगी, धमकाओगी, रोब जमाओगी? नहीं, आने तो दानिश को, आने तो दानिश को ऐसी ट्यूनिंग करवाऊंगी ना, दिमाग सेट हो जाए। खुद को क्यों कसूरवार ठहरा रही हो? तुमने कुछ नहीं किया। मैं रानिया को बताऊंगी, मेरे बाहर, मेरे बाहर जा रही हूँ, मैं बताऊंगी उसको, मैं बताऊंगी। पागल हो गई हो कुछ? बताओ क्या बताओगी उसे? तुम जानती भी हो तुम क्या करने वाली हो। अगर तुमने ये सब कुछ बता दिया ना रानिया को, तो हमें वो इस घर से उठा के बाहर फेंक देगी। वो हमजा के साथ रहने के मौके तलाश कर रही है। सबको जानने के बावजूद भी तुम क्यों कर रही हो ये सब? मत कर, मत करो अम्मा। रोएंगी तो अब आप भी। क्या कहा तुमने? क्या क्या मतलब था तुम्हारा? अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है। आप लोगों का हिसाब शुरू हो चुका है, डरें अल्लाह से। सना की तलाक तो एक छोटा सा ट्रेलर था। नहीं, नहीं, कुछ भी हो जाए मैं बताऊंगी, मैं रानियों को बताऊंगी। मैं हूं कातिल, मैं हूं कातिल, मैंने मारा, मेरे मारे दारिश को, मेरे मार दिया, मैं बताऊंगी, मैं बताऊंगी उसे। नानू, ये तेरी माँ को क्या हुआ? मुझे तो लगता है ये वाकई पागल हो गई है। समझाओ जाके, पता नहीं क्या बताना चाहती है सबको। क्या हो गया इसको, कमबख्त को, क्या करेगी ये पता नहीं। दानिश की मौत का सदमा नाक पे ले गई है, जाके समझाए ना, सारे दिन ऊट पटांग बातें करती रहती है, अभी पता नहीं क्या करेंगी वो। नवाब बस कर, तो खुदा का वास्ता है, हमने जो कुछ भी किया हमने माफ किया। जब तुमसे कोई शिकायत, सब लोगों के सामने तमाशा ना बना, अल्लाह ताला तुम पे रहम करे और अल्लाह किसी को जवान औलाद का दुख ना दे। उस माँ का क्या, क्या उस माँ का, उस माँ का क्या, क्या उस माँ का जिसने अपने हाथों से अपनी जवान औलाद की मौत का सवाल किया। मैं सच कह रही हूँ, मैं वो बदनसीब माँ, इन हाथों से नहीं अपने बच्चे को पाला, इन हाथों में मर गया। चुप कर जाओ नवाब, बस करो। क्या हो गया बच्चा? क्या हो गया इसे?
रात भर सोई नहीं है और मेडिसिन भी नहीं खाई, इसलिए दिमाग पे असर हो गया है ना नानो? बोलने दे सुसाना, वरना इसका कलेजा फट जाएगा। मेरी बच्ची कलेजा फट जाएगा। बेटा इसे ले जाओ। मैं क्यों भूल गई, मैं क्यों भूल गई? चलो जवान औलाद का दुख इंसान को तोड़ कर रख देता है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा हमजा बाल बाल बच गया, वरना मेरी हालत भी ना नवाब जैसी होती है। इसी की तरह पागलों की तरह मैं कुछ ना कुछ बोल रही होती। सब ये रो क्यों रही है? तो मकाफात अमल है ना, जो सारी जिंदगी करती आई है उसी का बदला मिल रहा है इसे। लोगों के लिए सारी जिंदगी ये गड़े खोदती आई, अब नहीं बेटा इसमें जा गिरा है तू। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत हैं, किसके लिए लाए हो? कैसी लगी तुम्हें? बहुत अच्छी हैं। मेरे लिए ली थी ना? पागल हो गई हो तुम क्या? तुम्हारे लिए क्यों लेकर आऊंगा? ये तो मैं एक मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है, इनफैक्ट मेरी जान है, उसके लिए लेकर आया हूँ। मजाक कर रहे हो? मजाक क्यों करूंगा तुम्हारे साथ, मेरा तुम्हारा मजाक है? अच्छा यकीन नहीं आ रहा ना तो दानिश से पूछ लो। दानिश? ओह मिस्टर बेजार, बताओ कि ये चूड़ियां मैं किसके लिए लेकर आया? ठीक कह रहे हैं। तो की तुम्हारी बकवास, तुम्हारा भी मुंह नोच लूंगी, उस चुड़ैल का भी। अरे क्या हो गया तुम्हें? काम डाउन, रिलैक्स। अरे बाबा तुम्हारे लिए ये, तुम्हारे अलावा मेरा कोई और भी है क्या? दानिश गवार है ना कि मैं अपनी रानिया से कितना प्यार करूं। और अगर रानिया खुद किसी और की हो गई तो? ऐसा मैं होने नहीं दूंगा।